राजा का कर्तव्य। राजा कृष्णदेव राय के नगर में जब चूहे बहुत बढ़ गए तो उन्होंने चूहों से छुटकारा पाने के लिए 1000 बिल्लियां बाहर से मंगवाई। नगर के लोगों को एक गाय के साथ एक बिल्ली बांट दी ताकि उसका दूध बिल्ली को पिलाया जा सके। तेनालीराम भी इस अवसर पर राजा के सामने जा खड़ा हुआ। उसे भी एक बिल्ली और एक गाय मिली। उसने पहले ही दिन उबलते हुए दूध का कटोरा बिल्ली के सामने रख दिया। बेचारी ने जल्दी से कटोरे में मुंह मारा तो उसका मुंह जल गया। उसके बाद ठंडे दूध को भी वो मुंह न लगाती। तेनालीराम गाय का सारा दूध अपने घर परिवार में प्रयोग में लाता। 3 महीने बाद जब सभी बिल्लियों की जांच की गई तो तेनालीराम की बिल्ली सूखी सी थी, जबकि सबकी बिल्लियां मोटी थी। राजा ने देखा तो तेनालीराम को डांटते हुए पूछा, तुमने इसे गाय का दूध क्यों नहीं पिलाया? महाराज, ये दूध छूती भी नहीं, तेनालीराम ने भोलेपन से कहा। तो राजा बोले, ये कैसे हो सकता है, बिल्ली भला दूध न पिए? महाराज पिलाकर देख लीजिए। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज ने बिल्ली को अपने हाथों में लेकर दूध का कटोरा उसके सामने रखा तो बिल्ली दूर भाग गई। उससे पहले राजा ने तेनालीराम के सामने शर्त रखी थी कि बिल्ली ने दूध न पिया तो राजा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, यदि पिया तो तेनालीराम को 100 कौड़े लगेंगे। बिल्ली के दूध न पीने पर तेनालीराम बोला, महाराज 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरी हुई। राजा ने निरीक्षण किया तो पाया कि बिल्ली का मुंह जला है। उन्होंने तेनालीराम से इस विषय में कहा तो वो बोला, महाराज ये देखना राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में मनुष्य के बच्चों को बिल्लियों से पहले दूध मिलना चाहिए। राजा अपनी हंसी न रोक सके, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, बात तो ठीक है, पर शायद आगे से तुम्हें ये सद्बुद्धि आ जाए तो बेचारे मासूम जानवरों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करना चाहिए।